श्री बाला साहेब तिरपुड़े कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों द्वारा शानदार तंदूरी नाइट्स का 10वां वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए डालते एक नजर। श्री बाला साहब तिरपुड़े कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के तमाम विद्यार्थियों द्वारा तंदूरी नाइट्स 2019 का 10वां वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ तिरपुड़े कॉलेज के परिसर में मनाया गया। पिछले 10 वर्षों से यह उपक्रम किया जाता है, जिसमें हर वर्ष कुछ नए नए अंदाज विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। इस वर्ष कॉलेज के विद्यार्थियों ने मैक्सिको देश के सुप्रसिद्ध डिश टैकोस, नाचोस, बरितोस, चिलडास आदि व्यंजनों को बनाया है। यह पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सरशिप द्वारा किया जाता है। पीछे का उद्देश्य मात्र विद्यार्थियों को प्रत्यक्षिक रूप से मजबूत करना होता है, जिससे इसके बाद विद्यार्थी देश और विदेशों में भी अपनी रेसिपी को बखूबी के साथ बना सके, जिससे उन्हें एक आर्थिक तौर पर जॉब मिल सके। ऐसी जानकारी इस समय में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश नायडू इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष दी है। दर्शकों, हर किसी को अच्छे अच्छे व्यंजन खाना काफी पसंद आता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। जी हाँ, इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पे आए हैं श्री बाला साहब तिरपुड़े कॉलेज में, जहाँ पे होटल मैनेजमेंट के तमाम छात्र छात्राएं आज बड़े पैमाने पर यहाँ पे तंदूरी नाइट्स का आयोजन उन्होंने किया है, सबने मिलकर किया है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। जिस परिसर में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे तमाम स्टॉल्स इन विद्यार्थियों ने लगाए हुए हैं, जिसका आनंद लेने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और हर किसी ने जो व्यंजन बनाया, जो मेनू जो बनाया, अपने आप में एक है। यदि हम उसको चखे तो चखते ही रह जाएंगे, पूरी उंगलियां चट कर जाएंगे। इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कुछ व्यंजन बनाए हैं। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में वे तमाम विद्यार्थी और हमारे साथ में इस कॉलेज के प्रिंसिपल नायडू साहब भी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम एक छात्रा से बात करें। क्या नाम है आपका? वेरी गुड इवनिंग, कैसा लग रहा है आज आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमारा फर्स्ट डे इवेंट का। मेरा नाम है खुशबू गुर्वे, आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर बीएचएम सिटी। खुशबू की कितनी खुशबू आ रही है आज इस प्रोग्राम आज में? तो बहुत खुशबू आ रही है। यहाँ पे डेजर्ट काउंटर है, चाइनीज है, सूप काउंटर, कॉम्बोज, बिरयानी, सब है सब। आपने क्या बनाया? एक्चुअली मैं मीडिया डिपार्टमेंट से हूँ, बाकी ये हमारे किचन के शेफ है, इनको पूछिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू जी ने जिस प्रकार से बताया, वैसे तो तमाम लोग यहाँ पे खुश होना ही है और लाजमी है, क्योंकि व्यंजन इतने बेहतरीन बनाए हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? शांतनु दातखोर है। क्या स्पेशल है? इस साल 2019 में हमने मेक्सिकन क्यूजिन को प्रमोट किया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। हम लोगों ने मेक्सिकन डिशेस इस साल रखी है, जिसमें जो फेमस डिशेस है, टाकोस, बुरिटोस, उसका आप आनंद ले सकते हैं। थैंक यू। मैम आपने क्या बनाया? जी मैं बेकरी डिपार्टमेंट से हूँ। हमने ब्लैक फॉरेस्ट गातोस, पाइनएप्पल गातोस, बटरी क्रिस्टल्स एंड ड्रम पॉप्स, ऐसी बहुत सारी डेलिकेसीज बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। सर श्री अकाल जी, क्या बनाया आपने? सर हम तो मीडिया डिपार्टमेंट से हैं, सो हमारा काम है प्रमोशन करना और फीडबैक लेना, खाने कैसा लगा आपको, कैसा है मेन से, और ये सब चीज़ें। फीडबैक के साथ साथ स्वाद भी लेना और लेंगे क्यों नहीं। जिस तरह से ये मुस्कुराहट सभी लोगों पे दिखाई दे रही है, सर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा मैं प्लान करने बताऊँगा आप, रेट ऑफ द फूड वेस्ट, यहाँ पे ऐसे तमाम ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं यहाँ पे। चलिए आइए उनसे, क्या बनाया आज आपने? सर तावा फिश। तावा फिश, और क्या स्पेशलिटी है? डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिनेशन विद फिश पकोड़ा। फिश पकोड़ा, यस, विद इंडियन मैरिनेशन, दैट इज वेरी अट्रैक्शन ऑफ दिस 2K तंदूरी नाइट्स। और भी लोग आइए उनसे जाना चाहिए। तवा भले ही यहाँ पे कुछ दिखाई ना देता हो, मगर ये तवा जरूर गर्म है, क्योंकि ठंड में भी गर्मी का एहसास है। और जैसे जैसे व्यंजन यहाँ पे बनते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, देखो बड़ी संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। ये वही होनार बच्चे हैं, ये वही होनार विद्यार्थी है जो आज यहाँ है। हो सकता है कल ये देश और विदेशों में भी अपना जलवा, कहने का मतलब है कि अच्छे अच्छे व्यंजन वहाँ ये बनाते हुए नजर आएंगे। क्या नाम है आपका, क्या बनाने जा रहे हो आप? मेरा नाम गौरव है और मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर, पनीर बरितोस, पनीर चिमिचंगास, पनीर टाकोस, नाचोस, पनीर कोसिडिलास। ये जितने पदार्थ इन्होंने अभी गिनाया है, ये सब मैक्सिको इस देश से जुड़े हुए ये तमाम ऐसे मेन्यूज है जो इन्होंने गिनाया है। और भी अभी नए सेक्शन में हम आए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बना आज? मैक्सिकन क्यूजिन नॉन वेज। मैक्सिकन क्यूजिन नॉन वेज। और
चिकन टाकोस, चिकन बरीतोस, चिमीचंगास और मेक्सिकन, और नॉनवेज में यहाँ पे पूरा मेक्सिकन का नॉनवेज भी यहाँ बन रहा है सर, एम्फेनाडास, चिकन। इसका कितना फायदा होने वाला है आपको भविष्य में? सर होगा ना सर, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका सर, क्योंकि हम नए नए बना यानी आइटम्स बनाना सीख रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल कोशिश जारी है। हाँ सर बिल्कुल, कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस प्रकार की तमाम कोशिशें शुरू है। आप प्लान करके देखिए, जहां भी हमारी नजर जा रही है वहां पे कॉलेज के हुनर छात्र नए नए व्यंजन नई नई डिश बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब हम सीधा और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। खाना खाने के बाद मीठा खाना सबको पसंद है, मुझे तो बेहद पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? हाँ सही फरमाया आपने, यदि आपको भी पसंद है आप भी खाने के बाद मीठा खा सकते हो, लेकिन जहां पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से मीठे अंदाज यहाँ पे जो मेनू बनाए गए अपने आप में है, गए यहाँ बेहतरीन तरीके से गुलाब जामुन बनाए, थोड़ा पैन करके बताइए, ये रम पॉप्स, बटर क्रिस्टल्स, लुसियस पाइनएप्पल्स, असोर्टेड हेडलॉन चॉकलेट्स, वैलनट ब्राउन विथ हॉट चॉकलेट सॉस, ब्लैक मैजिक, ब्लैक फॉरेस्ट, एक्सोटिक फ्लेवर्ड ब्लूबेरी, एक्सोटिक फ्लेवर कीवी, ये तमाम यहाँ पे केक बनाया गया है। कैसा लग रहा है आपको? आज हम बहुत खुश है, हमारे इवेंट का पहला दिन है। पहले दिन में आपने क्या बनाया है? ये सारा कुछ। नाम क्या है उसका? बिल्कुल ब्लैक मैजिक सर, ब्लैक मैजिक, लाइक लुशियस पाइनएप्पल, बटरी क्रिस्टल्स, रम पॉप्स एंड असॉर्टेड हैंडमेड चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, एवरीथिंग। मजा आ रहा है, इतना पूछना ही थोड़ा सा काफी था कि सबने एक स्वर में कहा मजा आ रहा है। क्यों ना, मुझे तो बेहद मजा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह ये डिलीशियस ये बनाए, देखिए ये बेकरी, ये वेरिएशन देखिए इसका, जिस अंदाज में इसको बनाया गया, इसकी जो सजावट जो की गई, इसको जो संवारा गया है, अपने आप में एक है, और यही खासियत है बाला साहब त्रिपुरी कॉलेज के इन होनहार छात्रों की, जो काफी अच्छा कामकाज यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बचपन में हमने हमारे माँ के हाथ का खाना खाया था, जब हमारी शादी हुई तो हमारे बीवी के हाथ का खाना खाते हैं, मगर कुछ ऐसे यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बखूबी के साथ बेहतरीन तरीके के साथ जिस प्रकार से ये जो व्यंजन बनाया है अपने आप में के खुशबू से सराबोर हो उठा ये पूरा त्रिपुरे कॉलेज का परिसर। कुछ छात्राएं हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, कैसे लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नाम धनश्री शिरसोड़कर है, एक्चुअली हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट से है अभी। मेरा नाम नेहा धोंगड़े है। कैसा लग रहा है नेहा जी? यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ खाने का है, बहुत कुछ खाने को मिल रहा है, और एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्टॉल है सीसीसी करके, करियर काउंसलर एंड कोर्सेस, ये हमारा स्टॉल है यहाँ पे। मेरा नाम ग्रीष्मा वाघ है, मैं नागपुर की हूँ, और हमारा वहाँ पे स्टॉल है, मैं एक एयरहोस्टेस हूँ, मैं मतलब एयरहोस्टेस बनने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ यहाँ पे, और मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरा नाम साक्षिता गोटेकर है, मैं नागपुर की हूँ और मैं त्रिपुरे कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और मैं आज फिर से मुझे ये इवेंट में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे खाना होता है जो स्टूडेंट्स बनाते हैं, और बहुत डिलीशियस फूड होता है, थैंक यू। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने जिस अंदाज में बताया गया है, मुझे भी बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इतना डिलीशियस जो खाना है, लचीला व्यंजन जो है, खाना तो हमें बहुत पसंद है, आप सभी को भी पसंद होगा। इस समय हमारे साथ में इस कॉलेज के प्रिंसिपल नायडू साहब है, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका अपना क्या कहना है। सर जिस प्रकार से ये उपक्रम जो किया जा रहा है, कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये पिछले 10 साल से हमने फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, उसके पहले हम लोग थीम डिनर करते थे, तो थीम डिनर एक दिन का होता था, एक थीम को लेकर काम किया जाता था, अभी ये हमने फूड फेस्टिवल में कन्वर्ट किया, जहाँ एक गेस्ट को बहुत सारी चीज़ें खाने का मौका मिलता। सर इसका कितना फायदा होने जा रहा है छात्रों को? काफ़ी थियेटिकल जो करते हैं नॉर्मली, हमारे पास एक सिलेबस है, सिलेबस में हम जितना सिखाते हैं, लेकिन वो लिमिटेड हो जाता है, उसके बाद में अब जो को बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, और बाकी बेकरी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सीखने को प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मिल जाता है, एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। सर क्या ये इसमें जॉब ओरिएंटेड है? यस 100% 100% है, वो बच्चे की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बच्चे अगर देश विदेश में बाहर में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो कॉलेज आपके तरफ से उनको किस प्रकार का सहयोग करेगी?
यहाँ से नॉर्मली जैसे इंटर्नशिप का करना है तो इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं यहाँ से, फिर जॉब ट्रिप प्रोफाइल जो भी होता है कोर्स खत्म होने के बाद भी कॉलेज उनको हेल्प करता है सब चीज़ें करने में। बिल्कुल, जिस अंदाज में नायडू साहब ने बताया कि कॉलेज भी उनको सहयोग करने वाली है और जो छात्र छात्राएं हैं विद्यार्थी उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया है। ऐसे में खाने की तो बहुत शुरुआत हो चुकी है, आप थोड़ा किए इंतज़ार, मैं आता हूँ थोड़ा सा कुछ चखने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।